माध्यम से गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उदाहरण देख लेते हैं इसकी विधि के बजाय। सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसकी विधि समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे सामने दो संख्या आपको दिख रही होगी, 54 मल्टीप्लाई 99, ये आपके सामने संख्या है। तो सबसे पहले इसकी विधि क्या कहती है दोस्तों, इसकी विधि ये वामपक्ष जिसमें आपको पता है क्या है 54, बाद में कहती है दक्षिण पक्ष, यहाँ पर लिख देते हैं हम दक्षिण पक्ष, लिख दिया। इसके बाद में दक्षिण पक्ष आपको पता है क्या 99। सूत्र हमें कहता है वामपक्ष माइनस वन, ये माइनस ये वन, तो बराबर हो गए 53। दक्षिण पक्ष में इसकी विधि कहती है दक्षिण पक्ष गुणक माइनस वाम पक्ष, उसमें वाम पक्ष को घटाना है। तो वाम पक्ष जो हमें माइनस वन करके प्राप्त हुआ है वापस 53, उसको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको इसको माइनस करोगे आ जाएगा 46। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा 53 एंड 46, ये इसका आंसर है। का एक और नियम है दोस्तों, गुणक सॉरी इसमें गुणक बाद में आएगा, सबसे पहले आएगा गुणी, गुणी मल्टीप्लाई गुणक इक्वल गुणी माइनस वन ओब्लिक गुणक माइनस वाम पक्ष, ठीक है। तो इसको सूत्र को वापस उसमें प्रयोग करके देखते हैं, गुणी यहाँ पर आपको गुणी आपको दिख रहा होगा 54। हम गुणी दिख रहा होगा 54 और इसका गुणक है 99, लिख देते हैं बराबर। तो बराबर बाद में कहता है सूत्र गुणी माइनस वन, तो गुणी के माइनस वन कर देते हैं। बाद में सूत्र कहता है ओब्लिक, तो ओब्लिक की चीजें हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओब्लिक में क्या कहते हैं, गुणक माइनस वाम पक्ष 99 माइनस 53। तो सेम प्रोसेस, इसमें वही सेम आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक न्यून पूर्ण द्वारा गुणा कर सकते हैं। हम एक और उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने दोस्तों संख्या है 214 मल्टीप्लाई 999, तो इसको किस प्रकार करें, वही सेम विधि वामपक। सबसे पहले वामपक, वामपक इसमें क्या है 214 माइनस वन बराबर 213, वापस दक्षिण पक्ष, ये रहा दक्षिण पक्ष, दक्षिण पक्ष में 999 मतलब गुणक माइनस वाम पक्ष, ये वाम इसको माइनस कर, ओके इसको घटा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 213 लिख देते हैं, 99 में से इसको घटा लेते हैं, 9 में से 3 घटाना है आपको, 6 माइनस 1 8 माइनस 2, ये आपके आंसर आ गए। इस प्रकार से सूत्र एक न्यून पूर्ण का प्रयोग करके गुणा कर सकते हैं वैदिक मैथ्स के अंदर। तो दोस्तों इसमें एक बात आपको याद रखनी होगी, इसमें मल्टीप्लाई उसी संख्या का किया जा सकता है जिसके गुणक में संख्या या कौन के अंक 9 हो, तब भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से सूत्र एक न्यून पूर्ण द्वारा गुणा कैसे करते हैं ये बड़ी आसानी से सीख गए होंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने
सूत्र एक न्यूनेन पुरेण द्वारा गुणा कैसे करते हैं यह सीखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैदिक मैथ्स के वीडियो में। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।